इसे कहते हैं जल्दबाजी मेरा भाई, जल्दबाजी। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लगा दिए मैंने गुस्से से। ओहो, अरे गुस्से से नहीं, ये प्रॉफिट। ओह भाई वाकई, अरे। तो कैसे हो एवरीवन? दोस्तों आज मैंने क्यू टैक्स में इतनी बड़ी गलती की है लेकिन रिकवर हो गई है। अच्छा, ये लाइव ट्रेड मैंने आज इसलिए दिखाई है क्योंकि बहुत से लोग ना मिस्टेक वगैरह भी कर रहे हैं, तो ये आज की लाइव ट्रेड क्यू टैक्स की आपने जरूर देखनी है। एक तो आपको मजा भी आएगा और कुछ स्ट्रेटजी भी आपको मिलेगी। तो एक जल्दी से एक लाइक कर दे, चलते हैं वीडियो की तरफ, लेट्स गो। तो यहाँ पे मैं स्क्रीन पे आ चुका हूँ। तो यार ये ना इस मार्केट की कैंडल तो बहुत छोटी छोटी बन रही है, लेकिन यहाँ पे एंट्री मैं ले रहा हूँ, लेकिन एंट्री मैं इसलिए यहाँ पे ले रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ यार क्योंकि ये छोटी छोटी कैंडल मुझे थोड़ी बहुत समझ आ रही है। तो ज्यादातर ना ये जब बहुत कम छोटी छोटी कैंडल्स बने ना, तो इसमें एंट्री आप लोग ना ही लें तो बेहतर है। तो चलो यहाँ से हम एंट्री ले लेते हैं एक आधी। सो मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ यार, चीज़ें इसमें ज़रूर फॉलो आपने करनी है जो मैं बताऊँगा, क्योंकि इसमें कुछ गलतियाँ आप भी करते हैं और बड़े ट्रेडर भी करते हैं, हमसे भी होती हैं कुछ गलतियाँ। ओ भाई, अबे यार ये देखो मेरी बेवकूफी, 10 सेकंड पे मैंने ट्रेड अप की लगा दिया। अबे यार 10 सेकंड, शाबाश, ये मैं जल्दी जल्दी रिकॉर्डिंग के चक्कर में 10 सेकंड में लगा चुका हूँ। चलो 1 मिनट, अभी मैंने सिलेक्ट कर लिया, कोई मसला नहीं है। देखो यार मैं ऐसे 50-60 डॉलर ना 500 दफा कर लूँ कोई नहीं, क्योंकि बैकअप होना बैग जरूरी है। अगर आपके पास बैकअप नहीं है तो आपने जल्दबाजी में ट्रेड नहीं लेनी, ठीक है, और जल्दबाजी नहीं करनी। कुछ लोग ना लोन लेके उधारे पैसे लेकर ट्रेड करते हैं, तो ये भी गलती आप लोगों ने नहीं करनी, ठीक है। अच्छा, इस एप्लीकेशन का नाम है क्यूटेक्स, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ठीक है। नीचे से लिंक से क्लिक करके आप इसको रजिस्टर कर लें। ये मैंने डाउन की एक ट्रेड लगा दी है, ठीक है, 1 मिनट के लिए। ये तो हमारी पक्की इंशाल्लाह विन है, क्योंकि मार्केट अब डाउन ही जाएगी। अच्छा, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक से इसे ज्वाइन कर लें, ठीक है। और ऊपर ये हमारा जो व्हाट्सएप का नंबर आ रहा है, इससे हमसे डिपॉजिट और विड्रा भी आप करवा सकते हैं। और दूसरी बात, लिंक से करने से आपको फ्री रिस्की कोड मिलेंगे, अगर कोई भी इशू आएगा कौन का तो हम आराम से उसका हल भी कर देंगे। अल्हम्दुलिल्लाह लिंक से तकरीबन हमारे 3-4 हज़ार लोग ज्वाइन है, तो आप भी लिंक से नीचे ज्वाइन हो जाए, ठीक है। नीचे टाइटल के ऊपर क्लिक करोगे ना तो नीचे डिस्क्रिप्शन ओपन हो जाएगी, लिंक पर क्लिक करके रजिस्टर कर लो और अकाउंट वेरीफाई कर लो और डिपॉजिट करवा लो हमसे। बेशक आप खुद भी करना चाहो तो कर लो, आप परफेक्ट मनी से कर सकते हैं। और बाकी यहाँ पे मैं आपको चीज बताऊं, यहाँ पे कुछ मिस्टेक्स वगैरह हमसे भी होती हैं। ये नहीं है कि बहुत से लोग कहते हैं यार जो बड़ा ट्रेडर है ना उससे लॉस नहीं होता। अबे यार गलत है, ये गलत चीज है, ये लॉस होता है, हम सबको लॉस होता है। और कुछ लोग, आप लोगों ने भी यूट्यूब पे वीडियो देखी होंगी जिसपे लोग 2 डॉलर 4 डॉलर 5 डॉलर से 1000 डॉलर मारते हैं, भाई वो बिल्कुल फेक होता है, ठीक है। ये लो मुझे ये प्रॉफिट हो गया, उन चीज़ों पे ना यकीन करें जो आपको 4000 से 100 मार दिए, 500 मार दिए सिर्फ 4 डॉलर से। ओ भाई 4 डॉलर से कभी भी ऐसा नहीं होता। तो यहाँ पे मैंने एक और डाउन की ले ली है, ये थोड़ी सी गलती तो नहीं की, क्योंकि यार ये कैंडल बहुत छोटी छोटी बार रही है। चलो इसके बाद मैं सोच रहा हूँ ये मार्केट से हम एग्जिट होंगे, दूसरी मार्केट में एंटर होंगे। सो यहाँ पे ब्रेक डाउन दे तो रहा था, मार्केट डाउन डायरेक्शन में आ रही थी, लेकिन कई दफा होता ना कि 1-1.5 सेकंड से अब मैंने डबल लगा दिया। ये देखो ये हमारी भी जल्दबाजियाँ हो जाती हैं, कोई ना, ये डबल लग गया, कोई नहीं मसला, मुझे यकीन है कि यह ऊपर जाके नीचे जरूर आएगी, क्योंकि मार्केट लगातार अब डाउन जा रही है। सो पीछे भी जो है ना, हाँ पीछे से भी मार्केट बिल्कुल डाउन ही आ रही है। सो यहाँ पे देखते हैं, अभी कैंडल का यकीन तो नहीं कर सकती, ओटीसी मार्केट है, कई दफ़ा 1-1 सेकंड में भी लॉस दे देती है। तो यहाँ पे हमारी 2 ट्रेड्स लगी हुई हैं, तो देखते हैं भाई क्या सीन है। और यहाँ पे चीज़ें, जब तक आप इन ट्रेडिंग ये जो कैंडल्स हैं इनकी साइकोलॉजी समझ नहीं ना लेते, तब तक ना ट्रेड किया करो। और ज़रूरी नहीं है कि आप लोग यूट्यूब पर वीडियो वगैरह देखते हो, भाई उस बंदे की वीडियो देखी उसने इतना प्रॉफिट किया, अब हम भी करें तो ये हमें प्रॉफिट हो चुका है। तो किसी को देख के प्रॉफिट नहीं करना, ठीक है। तो यहां पे आपने डेमो पे बैठ के जो कैंडल्स हैं इनको समझना यार, ये कैंडल किस तरह परफॉर्म कर रही हैं। तो ये भी हमारी ट्रेड विन होने वाली है, ये बिल्कुल देखते हैं, हाँ ये भी विन होगी। तो यहाँ पे क्यों ना हम कैंडल्स वगैरह चेंज करना ले मार्केट, क्योंकि यहाँ पे लग रहा है मुझे, हाँ मार्केट चेंज कर लेते हैं, हाँ ठीक है होगी चेंज। सो ओके ओके ओके, ये हाँ ये मुझे कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रही है, हाँ अच्छा हमें प्रॉफिट भी देगी यकीन है। तो 76 हमारे पास डॉलर हो चुके हैं, तो मैं सोच रहा हूँ यार 100 डॉलर करके इसको क्लोज करेंगे। तो मार्केट डाउन की डायरेक्शन में आ रही है और ऊपर से एक ब्रेक डाउन भी है,
तो अच्छा, मैं ना कई दफा आपको एक चीज बताऊं, जब भी मैं ट्रेड लेता हूं ना, तो मैं कई दफा बड़ी सोच समझ के लेता हूं। तो यहां पे देखो, मेरी समझदारी, मैंने दो एंट्री ले लिया, अब मार्केट अप जा रही है। कोई नहीं, ये अप जाके नीचे आएगी। आपको अगर आपकी ट्रेड पे यकीन है ना, तो भाई आपकी ट्रेड, आपकी कैंडल आपके कदमों में जरूर आएगी। तो यहाँ पे अब डाउन आना स्टार्ट होगी। अच्छा, यहाँ पे मैं आपको ना एक चीज मजेदार बताऊं, जो आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। हमेशा उस मार्केट में एंट्री लिया करो जिसकी कैंडल बिल्कुल स्लो चल रही हो। जो कैंडल फास्ट चल रही होती है ना, नीचे गई, अप डाउन बैकअप मार रही है, बहुत ज्यादा अप डाउन हो रही है, नीचे जाके ऊपर, नीचे जाके ऊपर, उस कंट्री में ना आप एंट्री मत लेना, ठीक है। जो मार्केट बिल्कुल स्लो चल रही हो, जैसे डाउन ट्रेंड जा रहा है, आस्ता आस्ता जा रहा है, ठीक है, बैकअप कम मार रही है, ठीक है, वो आपके लिए परफेक्ट है, ठीक है। तो मार्केट की कैंडल्स को समझो, कैंडल किस तरह परफॉर्म कर रही है, और हर मार्केट की कैंडल अलग अलग परफॉर्म कर रही होती है, ठीक है। तो ये हमने दो एंट्री ली थी 10-10 डॉलर की, तो ये अभी दोनों ही विन हो रही हैं, लग तो रहा है मुझे। एक तो विन होगी, ये दूसरी, हाँ दूसरी भी विन होगी, लेवल हो गया, तो 98 डॉलर हो गया। सो 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 यहाँ पे हम जो है ना 100 डॉलर करते हैं, तो देखते हैं ये क्या परफॉर्मेंस होती है। तो यहाँ पे ये मैंने, ये पक्का बेवकूफी की है मैंने, ये बेवकूफी की है, क्योंकि मार्केट 1 सेकंड से भी यहाँ पे लॉस दे सकती है, 100/100। चलो फिलहाल तो अभी नीचे आ रहा है, तो प्रॉफिट तो हो ही रहा है, लग रहा है प्रॉफिट हो रहा है। कोई ना, यहाँ पे कैंडल, असल में मैंने बेवकूफी भला क्या किया, क्योंकि कैंडल तकरीबन 10 सेकंड रहे थे, कैंडल ने चेंज होना है, तो मैंने कैंडल को चेंज नहीं होने दिया। सो सो कोई मसला नहीं है यार। चलो अभी देखते हैं मार्केट किस तरफ जाती है। अब डाउन, अब ये कैंडल अप जाएगी, मुझे लग रहा है। ओ भाई, सुनी गई, अब चली गई। हाँ, मार्केट बिल्कुल स्लो मूव में मार्केट अप जाना स्टार्ट हो रही है। अगर टाइम हमारा कम हो ना, तो फिर हम विन कर सकते हैं, अगर ज्यादा है तो मुझे तो लग रहा है कि भाई ये 1-1.5 सेकंड से लॉस कराएगी, क्योंकि ओ लो, अबे यार मेरी बात ऐसे मान रही है जैसे मैं तेरा दुश्मन हूं। अब यार पक्का लॉस है, अब तो हो ही नहीं सकता। ये लो, 188 डॉलर हो गया, वापस आ गए। तो जरूरी नहीं है कि जो यूट्यूब पे लोग दिखाते हैं ना कि लगातार प्रॉफिट हो रहा है, तो भाई वो समझो कि एडिट की हुई है, भाई लॉस भी होता है, ठीक है। अब यहाँ पे हमें 1 डॉलर 10 डॉलर का लॉस हो चुका है एक ही बारी में, तो यहाँ पे हम 10 डॉलर सेलेक्ट कर और 10 सेकंड सेलेक्ट कर लिए हैं। तो यहाँ पे 10 सेकंड पे मैं सोच रहा हूँ कि बस 100 करूँ और बाहर निकल जाऊँ। तो यहाँ पे आपके लिए 2 लगा दिए मैंने, 100 100 100 100 100 यहाँ पे लिया। हाँ, अबे अबे यार, शिट, डाउन डायरेक्शन, डाउन डायरेक्शन, ये इसे कहते हैं जल्दबाजी, मेरा भाई जल्दबाजी। यहाँ पे ज्यादा से ज्यादा लगा दिया मैंने गुस्से से। ओहो, अरे गुस्से से नहीं, ये प्रॉफिट। ओ भाई वाकई, अरे भाई ये लो, इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए आपको अपनी ट्रेड पे। ये बे, यस, ये हुई ना बात, और ये हमारा 108 डॉलर प्रॉफिट हो चुका है, 108 डॉलर हमें प्रॉफिट हो चुका है। लेकिन जो मैंने बेवकूफी की है, आपने नहीं करनी, क्योंकि मुझे पता था यार ये मार्केट 10 सेकंड के लिए ऊपर जाके नीचे आएगी। मैं फिर कह रहा हूं, मार्केट में ये गलती नहीं करनी। चलो मैंने तो कर ली, बट आपने नहीं करनी, ठीक है। तो ये चीजें कभी कभार आपको मिलती हैं, ये नहीं कि आप 10-5 सेकंड में ट्रेड कर रहे हो। जो यहाँ पे, चलो ठीक है, मार्केट में हमें प्रॉफिट हो गया, लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, आपने ये मिस्टेक वगैरह नहीं करनी। और बाकी ये है कि इन चीजों को फॉलो करो, कैंडल को समझो, इन चीजों को समझो, ताकि आपको भी अच्छा प्रॉफिट हो। सो हमें तो अच्छा हो गया। तो जी दोस्तों, यहाँ पे देखा आपके भाई ने जो मिस्टेक की है, चलो हमें प्रॉफिट तो होगा, लेकिन आप लोगों ने ये मिस्टेक नहीं कर दी। रिक्वेस्ट है आपसे, अक्सर लोग ना यही मिस्टेक करते हैं, और वहां पे लोगों ने देखा है कि चीज, और यूट्यूब पे लोग देखते हैं कि यार एक बंदे ने कंपाउंडिंग की, 4 डॉलर से 500 डॉलर मार दिए। भाई उस चीजों पे मत जाएं, वो फेक भी ज्यादातर फेक होती हैं, ठीक है, एडिट करके। आपको पता है आजकल एडिट करके क्या क्या नहीं दिखाते, तो ऐसी चीजें ना जाएं। तो मैंने आज जो इतना प्रॉफिट किया, यहाँ पे एक चीज और बता दूं यार, देखो मैंने कितना 60 डॉलर से 108 डॉलर करके रोक दिया, क्योंकि हम ज्यादा लालच में जितना जाएंगे ना ट्रेडिंग में, जितना घुसेंगे उतना लॉस होगा। जब भी आपको अच्छा प्रॉफिट हो जाए, आप एग्जिट हो जाओ, ठीक है, थोड़ा बहुत उसमें विड्रॉ लगा लो, आस्ता आस्ता ट्रेड करो, थोड़ी थोड़ी ट्रेड करो। और मैं अपने चैनल पे इतने आसान और सादा अल्फाज यूज करता हूँ ना, ताकि मेरे भाइयों को एक एक चीज की समझ लग जाए। अगर यार ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कर लो, बेल क्लिक कर लो, बहुत से लोग नहीं करते। बाकी यही वीडियो थी, हमें दीजिए इजाजत, अपना ढेर सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।